हे गाइस हाउ आर यू। सो गाइस इस वाले वीडियो में हम लोग यही सेम स्पीच टू टेक्स्ट ऐप बनाने वाले हैं एंड काफी सिंपल ऐप है और ये वीडियो को देखने के बाद आप भी ये सेम डायलॉग मारोगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स मेक अ न्यू प्रोजेक्ट। एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करते हैं एंड इस एप्लीकेशन का नाम मैं दे रहा हूँ स्पीच टू टेक्स्ट। तुम लोग कुछ भी दे सकते हो एंड मैं लैंग्वेज जावा चूज़ कर रहा हूँ एंड मिनिमम एपीआई लेवल 23 रख रहा हूँ। सो लेट्स फिनिश इट। सो गाइस फाइनली हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा ऐप के अंदर मैनिफेस्ट के अंदर एंड इस मैनिफेस्ट के अंदर मैं टोटल दो परमिशंस मांगूंगा। ओके तो पहली परमिशन है यूजेस परमिशन एंड्रॉयड डॉट परमिशन डॉट रिकॉर्ड ऑडियो। इस परमिशन के थ्रू हम लोग यूज़र की ऑडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड दूसरी परमिशन है यूजेस परमिशन इंटरनेट की। तो हम लोग जो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे स्पीच रिकॉग्नाइजर वाली वो एक्चुअली इंटरनेट यूज़ करती है हमारे डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ओके तो ये दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट परमिशंस है इसलिए सबसे पहले तुम लोग मैनिफेस्ट में जाके ये दो परमिशंस रख देना। उसके बाद हम लोग जाएंगे जावा के अंदर हमारी जो मेन एक्टिविटी है वो एंड रिसोर्सेज के अंदर इसी मेन एक्टिविटी की जो लेआउट फाइल है उसके अंदर हम लोग अभी एडिटिंग करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू होगा जहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा होगा लेकिन हम लोग इसे मिटा देंगे एंड इसी जगह मैं डालूँगा एक एडिट टेक्स्ट और इसकी विड्थ होगी मैच पैरेंट एंड हाइट होगी रैप कॉन्टेंट एंड इसको मैं आईडी दे देता हूँ एडिट टेक्स्ट की। ठीक है एंड इसके अंदर हम लोग एक हिंट भी डाल सकते हैं फॉर नाउ जिसमें हम लोग लिख सकते हैं टैप टू स्पीक। ओके और इससे मैं दे देता हूँ कंस्ट्रेंट्स क्योंकि ये कंस्ट्रेंट लेआउट है बाय डिफॉल्ट एंड इसे मैं सेंटर में लेकर आ गया। दैट्स इट। अब इसी के नीचे मैं बनाऊंगा एक माइक मतलब एक बटन। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक इमेज बटन जिसके अंदर हम लोग एक इमेज डालेंगे माइक की इमेज। तो मैं इसे रैप कंटेंट दे देता हूँ साइज एंड ड्राइवल में जाके मैं दो इमेजेस लेता हूँ। तो ड्राइवल को राइट क्लिक करके न्यू में जाकर नीचे वेक्टर असेट में जाके मैं पहले जाऊँगा इसके अंदर एंड यहाँ पे एक माइक सर्च मारूँगा। अब यहाँ पे माइक ऑफ देख रहे हो ना तुम लोग, ये माइक ऑफ होगा बाय डिफॉल्ट मतलब जैसे ही तुम लोग ऐप ओपन करोगे तो ऐसा दिखना चाहिए कि तुम्हारा माइक हाल फिलहाल ऑफ है। तो हम लोग पहले इसे ओके करेंगे एंड इसको नेक्स्ट एंड फिनिश। तो हमारे पास एक माइक ऑफ वाला सिंबल आ गया। अब इसी को हम लोग यहाँ पे दे देंगे src drawable mic off। ओके सो एज यू कैन सी यहाँ पे एक ऑफ माइक वाला एक सिंबल आ गया। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होगा एंड जैसे ही यूजर टैप करेगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो उसके लिए मैं एक ऑन वाला ड्राइवल भी वेक्टर सेट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जाऊँगा इस क्लिप आर्ट पे क्लिक एंड माइक। तो ये जो माइक ऑन है वो ऑन द टैप हो जाएगा। सो एक और मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अभी से ही मैं एक आईडी दे दूँगा और बटन की आईडी एंड इसको मैं ड्रैग कर दूँगा नीचे इसके ही नीचे एंड इसके कंस्ट्रेंट्स दे दूँगा। सो ये कुछ इस तरह से दिखेगा यहाँ पे। ओके तो अब मैं यूआई के बारे में इतना कंसर्न नहीं हूँ तो इसके लिए हम लोग चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। सो मेन एक्टिविटी के अंदर हम लोग सबसे पहले ये दो चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। तो पहले था हमारा इमेज बटन एंड दूसरा था एडिट टेक्स्ट। तो ये एडिट टेक्स्ट सिंपल। ठीक है तो ये दो चीज़ें डाल दी। यहाँ पे ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसे इंपोर्ट नहीं किया। तो हम लोग ऑल्ट एंटर दबाएंगे एंड ये इंपोर्ट हो जाएगा। इसे हम लोग इनिशियलाइज भी कर देते हैं। इमेज बटन इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट बटन। सिमिलरली एडिट टेक्स्ट इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट ओप्स r.id. edit text।
ओके सो अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हम लोग के पास ऑडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन है कि नहीं. ओके तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन, जिसके अंदर हम लोग हमारा एक कॉन्टेक्स्ट डालेंगे जो कि है दिस, और हमें कौन सी परमिशन चेक करनी है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट रिकॉर्ड ऑडियो की परमिशन चाहिए. ओके सो ये चीज़ लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड. ओके सो ये ऊपर वाला जो कोड है वो एकदम सिंपल है. हम लोग कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट के अंदर एक मेथड है चेक सेल्फ परमिशन, जिसके अंदर हम लोगों ने लिखा कि मैनिफेस्ट के अंदर जो ये रिकॉर्ड ऑडियो परमिशंस है क्या उसको पैकेज मैनेजर ने ग्रांट किया है कि नहीं किया. अगर नहीं किया है तो हम लोग इस इफ के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्टिविटी कॉम्पैक्ट. अब इस एक्टिविटी के अंदर जो मेन एक्टिविटी है उसके अंदर हम लोग एक पॉपअप करेंगे रिक्वेस्ट परमिशंस का इस एक्टिविटी के अंदर, तो दिस, और इसके अंदर हम लोग हमारे स्ट्रिंग लिखेंगे जिसके अंदर हमारी सारी की सारी परमिशंस होगी. मतलब हम लोग एक साथ सारी की सारी परमिशंस मांग सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हाल फिलहाल हमें सिर्फ एक ही परमिशन मांगनी है. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू स्ट्रिंग का एरे जिसके अंदर हम लिखेंगे कौन सी परमिशन चाहिए हमें. तो हमें चाहिए मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट रिकॉर्ड ऑडियो की परमिशन. ओके एंड लास्टली हम लोग लिखेंगे एक रिक्वेस्ट कोड. यहाँ पे मैं वन लिख रहा हूँ, तुम लोग एक कॉन्स्टेंट भी बना सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे वन लिख रहा हूँ. ओके सो सिंपली हमें ये तीन आर्ग्यूमेंट्स देनी पड़ेगी कि इस एक्टिविटी के अंदर हम लोगों को हाल फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही परमिशन है, लेकिन हम लोग चाहें तो यहाँ पे कॉमा करके और भी परमिशंस मांग सकते हैं. तो ये सारी की सारी परमिशंस जो है उसका पॉपअप होगा एंड हम लोगों को अलाव या डिनाई कर सकते हैं. ऐसी एक स्क्रीन जो है वो पॉपअप होगी. अब इस स्क्रीन का जो रिजल्ट है वो हमें मिलता है एक मेथड के अंदर जिसका नाम है ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट. ओके तो इस परमिशन के अंदर हम लोग को रिजल्ट मिलेगा. जैसे कि तुम लोग देख सकते हो इसके अंदर ही हमारे पास रिक्वेस्ट कोड है जो हमने वन डाला था एंड परमिशंस कौन सी मांगी थी वो, एंड ग्रांट रिक्वेस्ट हुई है या नहीं उसके सारे के सारे रिजल्ट्स इसके अंदर हमें मिलते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा रिक्वेस्ट कोड इक्वल्स टू वन है कि नहीं. तो रिक्वेस्ट कोड इक्वल्स इक्वल्स टू वन, सो ये जाएगा इसके अंदर. एंड इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे इफ हम लोगों ने एक ही परमिशन मांगी थी तो ये जो ग्रांट रिक्वेस्ट का एरे है उसके जीरोथ इंडेक्स में हम लोग देखेंगे कि क्या ये परमिशन ग्रांट हुई है या नहीं. तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा ग्रांट रिक्वेस्ट का जो जीरोथ एरे है जो हमारी परमिशन डिपिक्ट करता है यहाँ पे, उसे पैकेज मैनेजर ने परमिशन ग्रांटेड हुई है या नहीं. अगर हुई है तो इट्स ओके, नहीं हुई है तो वापस से मांगना पड़ेगा. सो अगर रिक्वेस्ट ग्रांट हुई है तो मैं क्या यहाँ पे करूँगा, एक टोस्ट बना दूंगा, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, जिसके अंदर मैं डाल दूंगा परमिशन ग्रांटेड. जैसे हमें पता चले कि हाँ परमिशन ग्रांट हो चुकी है, परमिशन ग्रांटेड, और ये होगा शॉर्ट. सो टोस्ट डॉट शॉर्ट लेंथ शॉर्ट. ओके सो ये है इसका. एंड इसके हम लोग एल्स भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एल्स डाल देता हूँ. इस एल्स के अंदर परमिशन डिनाई हुआ होगा इसलिए मैं इसी टेक्स्ट टोस्ट को यहाँ से कर देता हूँ कट, सॉरी कॉपी, एंड इसके नीचे मैं कर देता हूँ पेस्ट एंड यहाँ पे लिख देता हूँ परमिशन डिनाइड, सिंपल एज दैट. ओके सो अभी हम लोगों के पास परमिशन आ चुकी है और अब हम लोग हमारा एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्पीच रिकॉग्नाइजर क्लास का. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पीच रिकॉग्नाइजर, स्पीच रिकॉग्नाइजर. ओके और इसे मैं ऑन क्रिएट वाली मेथड पे ही इनिशियलाइज करूँगा. तो इसके नीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पीच रिकॉग्नाइजर इक्वल्स टू स्पीच रिकॉग्नाइजर जो क्लास है उसकी एक स्टैटिक मेथड है जो कि है क्रिएट स्पीच रिकॉग्नाइजर, और इसके अंदर हम लोग हमारा कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे जो कि है दिस. ओके तो ये सिंपली क्या करेगा, हमें एक स्पीच रिकॉग्नाइजर का एक ऑब्जेक्ट पास कर लेगा और यहाँ पे हमारा जो स्पीच रिकॉग्नाइजर है वो इनिशियलाइज हो चुका है सक्सेसफुली. अब हमें एक और चीज़ चाहिए स्पीच रिकॉग्नाइजर के लिए जो कि है उसका एक एक्शन, और ये एक्शन के लिए हम लोग एक इंटेंट बनाते हैं. ओके सो यहाँ पे मैं एक इंटेंट बनाऊंगा. सो इंटेंट
स्पीच, ओके पहले इसे मैं इंपोर्ट कर दूँ, इंटेंट स्पीच रेकग्नाइजर इंटेंट, ओके एंड इसके अंदर मैं डालूंगा न्यू इंटेंट रेकग्नाइजर इंटेंट, जो कि एक क्लास है, डॉट एक्शन, जो हमारा एक्शन हमें इसमें यूज करना है. सो हम लोग इसमें एक्शन पास करेंगे, एक्शन रेकग्नाइज स्पीच. ओके सो इससे हम लोग के पास इंटेंट भी बन गया है और ये स्पीच रिकग्नाइजर भी मिल गया है. अब जब हम लोग एक स्टार्ट करेंगे सुनना, मींस ऑडियो सुनना चालू करेंगे, तो उसमें है ना हम लोग ये इंटेंट सिंपली पास कर देंगे, जिस इंटेंट के अंदर हमारे पास एक्शन है कि इस स्पीच को रिकग्नाइज करो. अब हम लोग को दो चीज़ें बनानी है. पहली चीज़ तो ये कि हमारा जो इमेज बटन है उसका सेट ऑन क्लिक लिस्ट ना, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्ट ना, एंड इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि ऑन क्लिक पे हमें लिसनिंग स्टार्ट करनी है, राइट. सो सबसे पहले ऐसा होगा कि हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका जो ये माइक है वो ऑन हो जाएगा, इसका ड्राइवर चेंज हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ पे एक काउंट वेरिएबल बना देते हैं. यहाँ पे मैंने एक काउंट वेरिएबल बनाया इंट काउंट, और हम लोग ये चेक करेंगे इफ ये जो काउंट वेरिएबल है इक्वल्स इक्वल्स टू जीरो है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जीरो होगा. मतलब अगर ये जीरो है इसका मतलब हमारा माइक ऑफ है और अभी हमें उसे ऑन करना है. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो इमेज बटन है उसका जो ड्राइवल है वो चेंज करेंगे. तो सेट इमेज ड्राइवल, जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे गेट ड्राइवल आर डॉट ड्राइवल डॉट माइक, जो ऑन है वो वाला. सो इससे क्या होगा पता है, इससे हमारा जो इमेज बटन है उसका जो ड्राइवल है वो चेंज हो जाएगा, इस ऑफ माइक की जगह ऑन वाला माइक हो जाएगा. मतलब कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी. तो हम लोग यहाँ पे अभी जो कोड लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे कोड लिखेंगे जिससे हम लोग स्टार्ट कर सके लिसनिंग हमारी, ठीक है, रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर सके. एल्स अगर वो वापस से इस बटन को दबाएगा तब क्या होगा, तब हमारा ये जो इमेज बटन है वो ऑफ हो जाएगा, मतलब कि लिसनिंग स्टॉप करना. तो मैं इसे यहाँ पे ऑफ वाला माइक बना देता हूँ, और हम लोग यहाँ पे कोड लिखेंगे स्टॉप लिसनिंग वाला. सो स्टॉप लिसनिंग, ओके सो इट्स क्लियर कि सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तब ये स्टार्ट कर देगा सुनना एंड फिर वो स्टॉप कर देगा सुनना. तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो काउंट है उसको भी वन कर दूंगा, जिससे पता चले कि अभी स्टार्ट हो रहा है, एंड यहाँ पे कर दूंगा मैं काउंट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है. अब हमने यहाँ पे जो स्पीच ऑर्गेनाइजर बनाया और इंटेंट बनाया उसकी मदद से हम लोग लिसनिंग स्टार्ट कर सकते हैं. कैसे, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पीच ऑर्गेनाइजर डॉट स्टार्ट लिसनिंग नाम की एक मेथड है, स्टार्ट लिसनिंग, जिसके अंदर हम लोग इंटेंट पास करते हैं जिसमें हमारा एक्शन लिखा होता है. तो मैं लिखूंगा स्पीच रिकॉग्नाइजर इंटेंट, ओके तो इसने स्टार्ट लिसनिंग कर दिया, और इसका एक्शन क्या है जो हमने यहाँ पे पास किया था, एक्शन रिकॉग्नाइज स्पीच. तो इसने यहाँ पे सुनना स्टार्ट कर दिया है, और जैसे ही हम लोग वापस से बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जाएगा इस एल्स पार्ट में, जहाँ पे ये करेगा स्पीच रिकॉग्नाइजर डॉट स्टॉप लिसनिंग, ओके. तो यहाँ पे हमारा जो ये वर्क है बटन के ऊपर वो ख़त्म होता है. और अभी एक लास्ट चीज़ आती है हमारी, जिस पे हम लोग को जैसे ही ये स्टॉप हो जाए तो क्या करना है वो हम लोग लिखेंगे. तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्पीच रिकॉग्नाइजर का एक सेट रिकॉग्नाइजर लिसनर डालेंगे. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू रिकॉग्नाइज लिसनर, और तुम्हारे सामने काफ़ी सारी मेथड जो है वो पॉपअप हो जाएगी. अब इस इन सारी मेथड्स में से हमें सारी की सारी काम की नहीं है बिल्कुल भी, हमारी सिर्फ दो ही काम की है. पहली है जब हम लोग स्टार्ट लिसनिंग करते हैं तो सबसे पहले बिगनिंग ऑफ द स्पीच नाम की ये मेथड जो है वो काम आती है. तो यहाँ पे तुम लोग कुछ भी कर सकते हो कि जैसे ही तुम्हारी जो स्पीच है वो स्टार्ट हो गई सुनना, तो ये जो मैंने यहाँ पे किया है इमेज बटन वाला, वो चीज़ तुम लोग वहाँ पे कर सकते हो, या और कुछ भी चीज़ कर सकते हो जो भी तुम लोग करना चाहो, तुम्हारे यूआई में डिफरेंस और चेंजेस करना चाहो वो तुम लोग यहाँ पे कर सकते हो. एंड दूसरी, जब हम लोग स्टॉप लिसनिंग करते हैं तब ये जाता है इस वाली मेथड पे जो कि है ऑन रिजल्ट्स, जिसमें हमें एक बंडल मिलता है जिसमें हमारे रिजल्ट्स होते हैं. मतलब यहाँ पे हमारा जो स्पीच है वो रिकॉग्नाइज होकर इस रिजल्ट्स के अंदर आ चुका है, ओके. तो हम लोग वर्क करेंगे इस ऑन रिजल्ट्स पे. अब मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ उसका मतलब मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ. तो यहाँ पे लिख रहा हूँ एरे लिस्ट, जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग की एरे लिस्ट बना रहा हूँ, एंड इसे मैं इंपोर्ट कर दिया. और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेटा इक्वल्स टू रिजल्ट्स डॉट
गेट स्ट्रिंग एरे लिस्ट स्पीच रिकॉग्नाइजर डॉट रिजल्ट रिकॉग्नाइजेशन। ओके सो यहाँ पे क्या है, ये जो बंडल है ये बंडल हमें स्ट्रिंग में डेटा पास नहीं करता, ये बंडल हमेशा अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो इसे स्ट्रिंग एरे लिस्ट में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने एक एरे लिस्ट बनाई जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप की है एंड वो सारा का सारा डेटा अभी इस डेटा के अंदर आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग स्पीच रिकॉग्नाइजर डॉट रिजल्ट रिकॉग्नाइजेशन जो है उसको मैंने इस डेटा के अंदर पास करवा दिया। और सिंपली हम लोग करेंगे कुछ इस तरह से कि हमारा जो एडिट टेक्स्ट है उसका सेट टेक्स्ट, इसके अंदर हम लोग सिंपली लिख देंगे जो हमारा डेटा है डॉट गेट जीरोथ इंडेक्स, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही पूरा का पूरा सेंटेंस आएगा इसके अंदर। ओके सो दैट्स इट फॉर नाउ, लेट्स जस्ट टेस्ट इट इन वंस इन माय मोबाइल। ओके सो ये ऐप मेरे फ़ोन के अंदर चालू हो चुकी है और मैं यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करता हूँ। सो ये एक्टिविटी खुल गई और मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँगा। आर यू वर्किंग, एंड यहाँ पे आ गया आर यू वर्किंग। सो गाइज आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आ चुका हो। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस था, हम लोगों ने सिर्फ एक स्पीच रिकॉग्नाइजर बनाया, उसका इंटेंट बनाया, स्टार्ट लिसनिंग किया, स्टॉप लिसनिंग किया एंड इसके ऑन रिजल्ट्स के अंदर हम लोगों ने ये जो डेटा था वो एडिट टेक्स्ट के ऊपर डाल दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।